हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम विद्यालय प्रबंधन की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम विद्यालय प्रबंधन के बारे में जान चुके हैं, जिसमें हमने विद्यालय प्रबंधन का अर्थ और इसकी परिभाषाएं देखी थी। साथ ही साथ हमने काफी अच्छे से समझा था क्या होता है प्रबंधन और विद्यालय प्रबंधन। आज हम विद्यालय प्रबंधन की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। आप लेफ्ट साइड में ऊपर देख सकते हैं एक डायग्राम बना है, जिसमें लिखा है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। हाँ, यही होता है प्रबंधन का कार्य, जिसके द्वारा हम प्रबंधन करते हैं। मतलब पहले हम नियोजन बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए। उसका एक अच्छा प्लानिंग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। कार्य को शुरू करने से पहले प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है। मतलब कि हम तैयारी कर लेते हैं कि हमें क्या क्या कार्य करना है और कैसे करना है, तो ये प्लानिंग होता है। उसके बाद हम एक संगठन तैयार करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, जो कुछ लोगों का समूह होता है, जो वो सभी लोग एकजुट होकर उस कार्य के लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए सभी उस कार्य को करने में जुट जाते हैं। फिर एक होता है, उसके नेक्स्ट स्टेप होता है लीडिंग करना। मतलब उसमें से एक प्रमुख पर्सन होता है, जो सभी पर्सन को, सभी लोगों को, समूह के सभी लोगों को वो मोटिवेट करता है, उन्हें अभिप्रेरित करता है कि वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति अच्छे से कर सके, ठीक है। लीडिंग करने का मतलब कि वो सबको उनके यहाँ पे उन्हें बीच बीच में मोटिवेट करने लगता है। कई बार होता है कि कुछ लोग हार जाते हैं या थक जाते हैं कि अब हमसे नहीं होगा, बहुत टेंशन हो रही, बहुत वर्कलोड हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए लीडिंग करना बहुत ज़रूरी है कि बीच बीच में उसको क्या करना, बूस्ट अप करते रहना, उसको मोटिवेट करते रहना। फिर आता है कंट्रोलिंग करना। अब आपने सबको मोटिवेट कर दिया, उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें कार्य भी दे दिया, सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन सब अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर रहे हैं, पता नहीं वो कार्य प्रभावित तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए कंट्रोलिंग होना भी बहुत ज़रूरी है कि कोई ना कोई एक ऐसा हो जो लीडर हो और वो साथ ही साथ कार्यों को कंट्रोल कर रहा हो, कि कोई भी ये ना हो कि कोई अपना कार्य नहीं कर रहा है, या कोई बहुत ज़्यादा कार्य कर रहा है तो कोई बिल्कुल नहीं कर रहा है। यहाँ पे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए कंट्रोलिंग जरूरी है। फिर उसके बाद कंट्रोलिंग करने के बाद फिर प्रोसेस चलता रहता है, फिर आगे अगेन वो रिपीट होता रहता है। यहाँ पे हम आज पढ़ेंगे विद्यालय प्रबंधन। तो विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएँ होती क्या है? विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं, देखिए, जो विद्यालय प्रबंधन होता है, इसके द्वारा ही विद्यालय के लिए उपलब्ध जो मानवीय और भौतिक संसाधन होते हैं, इनका सबसे अच्छे तरीके से उपयोग किया जाता है, ठीक है। जब हम विद्यालय प्रबंधन प्रॉपर तरीके से बनाते हैं, तो इसके द्वारा ही स्कूल का जो मानवीय साधन होता है और भौतिक साधन होता है, इन सभी का एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो बाकी संसाधन होते हैं, उन सब की व्यवस्था के लिए सफल प्रयास भी किया जाता है। बालकों का पूर्ण विकास करने के लिए, मतलब उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए, विद्यालय प्रबंधन के द्वारा ही एक हम नई नई योजनाएं तैयार कर सकते हैं, उनका निर्माण कर सकते हैं, जिससे कि बालक का अच्छे से विकास हो सके। आइए जाने विद्यालय प्रबंधन की कुछ विशेषताओं के बारे में। पहली विशेषता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आज का युग वैज्ञानिक है, इसलिए सभी अध्ययन व्यवस्था व प्रबंधन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया जाना जरूरी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तात्पर्य यह है कि प्रबंध में पूर्व ग्रहों से मुक्त रहकर वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया जाता है। अब यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहने का मतलब है कि हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए या विद्यालय को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए पूर्व ग्रहों से मुक्त, ये नहीं कि हम बहुत पुराने जो सिद्धांत थे उसी को फॉलो करते आ रहे हैं, उनसे हमें सीखना है, ना कि सेम चीज अप्लाई करना है। हमें उसको प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से देखना है और जो उसके लिए सही है हमें वही तरीका अपनाना है, ठीक है। तो जो व्यवहारिक होगा वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होगा।
नियोजित प्रबंध। बिल्कुल, यहाँ पे हमें विद्यालय प्रबंधन करने के लिए नियोजित प्रबंध करना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब पहले से प्लानिंग करना। विद्यालय प्रबंधन अथवा शैक्षिक प्रबंध एक नियोजित प्रबंध व्यवस्था है। इसमें सभी कार्यों को सभी कार्य निश्चित तरीके से संपन्न किए जाते हैं, अर्थात सभी कार्य नियोजित या योजनाबद्ध तरीके से ही किए जाते हैं। तो यहाँ विद्यालय प्रबंधन ये नहीं है कि कभी भी हम कोई भी कार्य बिना किसी को बताए शुरू कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे हमें योजना बनाना पड़ेगा और उस योजना को सभी स्टाफ को शेयर करना पड़ेगा, ठीक है, जो जो हमारे उस संस्था में शामिल है। तो उन सभी को बताने से, उन सभी के द्वारा ही हम विद्यालय को अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से लक्ष्य प्राप्ति कर सकते हैं उनके अनुसार। तो हमें समय के अंदर ही करना है। इसलिए किसी भी विद्यालय के प्रबंधन को बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से करना आवश्यक है। कार्य कुशलता में वृद्धि। शैक्षिक प्रबंध में इनसे जुड़े कर्मचारियों की कार्य कुशलता में वृद्धि किया जाना बहुत आवश्यक है। इसलिए अच्छे शैक्षिक प्रबंधन की यह आवश्यक विशेषता है कि कार्य कुशलता में वृद्धि संबंधी प्रयास अनवरत रखें। उद्देश्य की निश्चितता। बिल्कुल, अब हमने विद्यालय में जो प्लानिंग है, हमने नियोजन तो बना लिया है, हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी चल रहे हैं, कार्य कुशलता भी है, लेकिन अगर हमें उसका उद्देश्य ही निश्चित नहीं है तो हम कैसे उस कार्य को अच्छे से करेंगे, वो प्रभावित तरीके से पूर्ण नहीं होगा। जब स्टाफ को पता होगा कि हमारा लक्ष्य ये है, हमारा उद्देश्य ये है, तो वो उस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। सभी प्रबंध अपना उद्देश्य रखते हैं, अतः शैक्षिक प्रबंध का भी निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। यह उद्देश्य सभी को स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। उद्देश्य स्पष्ट होने पर उसकी प्राप्ति के लिए अच्छे प्रयास हो सकते हैं। उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग। जो हमारे पास साधन है उसका अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, मतलब कम से कम साधन का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, ठीक है। सभी प्रबंध की यह विशेषता है कि साधनों का अधिकतम उपयोग करें। यद्यपि हमारे देश में शिक्षा से संबंधित उपलब्ध साधनों की काफी कमी है, लेकिन अच्छा प्रबंध वही है जो उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग कर सके। सहयोग की भावना। बिल्कुल, जो हमारे प्रबंध में जितने भी लोग शामिल हैं, ठीक है, चाहे वो अध्यापक हो, छात्र हो, कर्मचारी हो, स्टाफ हो, प्रधानाचार्य हो, प्रबंधक हो, इन सभी के बीच में आपसी सहयोग होना बहुत जरूरी है। किसी भी अच्छे प्रबंध को चलाने के लिए, उसके उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए, उन सभी के बीच में जो समूह के लोग हैं, संस्था के बीच में आपसी सहयोग होना बहुत जरूरी है। अच्छे प्रबंध के लिए यह भी आवश्यक है कि प्रबंध से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों में सहयोग की भावना हो। इससे सभी व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर सामूहिक हितों पर बल देने लगते हैं। मानवीय दृष्टिकोण। हाँ, यहाँ पे प्रबंध के लिए हमने हर एक प्लानिंग कर ली, सारे उद्देश्य की प्राप्ति भी कर रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, लीडिंग भी कर रहे हैं, कंट्रोलिंग भी कर रहे हैं, लेकिन हम अगर छात्रों पे ही ध्यान नहीं देंगे कि उन्हें क्या चाहिए, या उनको हम इग्नोर कर रहे हैं और बाकी हम सिर्फ लक्ष्य की प्राप्ति करवाए पड़े हैं, सिर्फ पढ़ाए पड़े हुए हैं, तो इससे हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। हमें मानवीय संबंधों का भी ध्यान देना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत छात्र छात्राएं आते हैं, उनकी शिक्षण संस्थाएं आती हैं, उनकी शिक्षण संस्थाओं को अच्छे से प्रभावित तरीके से उनके उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए हमें मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखना पड़ेगा। अन्य प्रबंधों में भी मानवीय दृष्टिकोण होता है, लेकिन शैक्षिक मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें सारा काम करना होता है। मानव जो प्रबंध मानव होते हैं, उसके अंतर्गत छात्र छात्राएं, इनसे संबंधित होता है। अच्छे मानवीय संबंधों के बिना शिक्षण संस्थाएं या फिर शिक्षा जगत ये अधूरी है और इसका पूरा होना असंभव होगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकताएं, इनकी विशेषताएं।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से इसकी विशेषताएं समझ में आई होगी। साथ ही साथ वीडियो पसंद आने पर आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।